हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स में। हमें बेहद खुशी हो रही है आपको साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री ले जाने में। पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही बड़ी तादाद में इस कंट्री में लोग एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं और ये कंट्री बन गई है वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड एंड ट्रैवल्ड डेस्टिनेशन। इस कंट्री का नाम है वियतनाम। सो दिस इज डोंग किन स्क्वायर। दिस इज काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट ऑफ ओल्ड क्वार्टर्स हनोई और यहाँ पे एक लेक भी है एंड इट्स द वेदर इज वेरी विंडी। इट्स नाइस, अ बिट humid but the winds are nice so it's calm. You can also take Hanoi city tours from here and most of the tours journey starts from this point. So basically this is the meeting point or the center, city center of old quarters Hanoi. पर्यटन के मामले में वियतनाम काफी पसंदीदा देशों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। वियतनाम की प्राकृतिक सुंदरता आपका भी मन मोह लेगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत देश के सफर पर। वियतनाम तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बन गया है। पर्यटक यहाँ की सीनिक ब्यूटी, यहाँ के समुद्र तट, पहाड़ और हलचल भरे शहरों का आनंद लेते हैं। गूगल डेस्टिनेशन इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च से जून तक वियतनाम सातवां सबसे अधिक खोजा जाने वाला गंतव्य स्थल था और टॉप 20 में दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश था। वियतनाम की करेंसी वियतनामीज डोंग है और भारतीय करेंसी की अगर बात करें तो एक इंडियन रुपीस की वैल्यू 305 वियतनामी डोंग होती है। वियतनाम जाना जाता है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। हालांकि ज्यादा आइटम्स यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेगी और वेजिटेरियन खाने के लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो इस वक्त हम यहाँ पे जो लेक है इसके आसपास टहल रहे हैं और वाकई में काफ़ी पीस ऑफ माइंड महसूस हो रहा है हमें। और चलिए थोड़ा आगे ऐसे ही वॉक करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ का लोकल वियतनामीज म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। अगले कुछ दिनों के लिए हनोई हमारा बेस स्टेशन होगा और इस वक्त हम हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में हैं और ये सामने आप यहाँ पे लेक भी देख सकते हैं। ये मार्च एंड है जब यहाँ पे हम आए हैं और वेदर काफ़ी विंडी है और अब गर्मियाँ यहाँ पे दस्तक देने के कगार पे है और थोड़ा सा ह्यूमिड और थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। और इस शहर हनोई का काफ़ी पुराना इतिहास है और 3rd century BC से यहाँ पे रिकॉर्ड है कि यहाँ पे जो राजा है वो यहाँ पे रूल करते थे। और अब इस वियतनाम के सफ़र में एक सबसे बड़ा सवाल और बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत सारे सवाल आप सबके मन में आ सकते हैं कि वियतनाम आकर हम क्या करें। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले इस कंट्री को एंटर करने से पहले आप इंश्योर करें कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। कुछ देशों के लिए शायद ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी आप ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कैरी करें। यू चिकन हो क्यों? चिकन फो। दिस इज चिकन फो। हम यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं और एक छोटी सी जगह है लेकिन बड़ी ही क्यूट सी और बड़ी सुंदर सी जगह है ये जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं खाना खाने के लिए। और जो फूड आइटम्स है उनके प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल से हैं। ये जो हम ले रहे हैं चिकन पो, इसकी कीमत 40,000 डोंग्स है। ये करीब 130-140 रुपए के करीब बैठती है। तो इस वक्त हम ओल्ड क्वार्टर्स में हैं और एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे यहाँ देखने को मिल रही है,
कि आपको स्ट्रीट फूड यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ पे मिलेंगे स्ट्रीट फूड के। लेकिन वही बात है कि 80-90% यहाँ पे नॉन वेज खाना ही आपको मिलेगा। लेकिन काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे लोकेलिटी में मिलेंगे, थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। ये यहाँ की फेमस एग कॉफी है। और दूसरी बात, कैश इज द किंग। और अधिकतर जगहों पे स्ट्रीट फूड या कि रेस्टोरेंट या किसी शॉप में आप जाएंगे तो जो प्रेफर्ड मोड है वो कैश ही है। हालांकि कुछ फॉर्म्स हैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैश ही लेते हैं। तो अपने साथ जितना ज़्यादा हो सके कैश कैरी करें। और थर्ड पॉइंट है कि किस टाइम पे हम वियतनाम आएँ, सबसे बेहतर टाइम वियतनाम आने का कौन सा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वियतनाम के कौन से रीजन में जा रहे हैं। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में काफ़ी अलग परिस्थितियाँ होती हैं मौसम की। अक्टूबर से मार्च तक जो नॉर्थ वियतनाम है वहाँ थोड़ा कोल्ड और थोड़ा ड्राई मौसम होता है, और जो साउथ वियतनाम है इस दौरान यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौसम होता है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी कम होती है। ये फिर से ओल्ड क्वार्टर्स है। इस जगह की एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट 80-90% शॉप्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, इट इज़ टेकन केयर बाय वुमेन। औरतें ही आपको शॉपकीपर्स मिलेंगी, सेल्स गर्ल मिलेंगी, या स्ट्रीट फूड सर्व करते स्ट्रीट फूड बेचते हुए मिलेंगी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा है कि वुमेन बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड मुझे अभी तक यहाँ पे लग रही हैं, क्योंकि 80-90% में कोई भी शॉप्स हो या कोई भी फूड आउटलेट हो, वहाँ पर आपको वुमेन ही बैठी हुई मिलेंगी। एंड द अदर थिंग इज ओल्ड क्वार्टर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सा एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे चौराहे हैं और हर चौराह पे चार डायरेक्शन में एक रास्ता जा रहा है। सो बेसिकली आप कहीं से घूम के एक वापस उस पॉइंट पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए, और देखिए ये चीज़ है कि आपको हर जगह बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसे सिटिंग आउटलेट्स बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हाई स्ट्रीट फूड। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करी वो है ज्वेलरी शॉप। हर ऑलमोस्ट 4-5 शॉप आपकी ज्वेलरी शॉप है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। सो आई थिंक वियतनामीज आर ऑल्सो इनटू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, एंड लाइक इंडियंस ऑफ कोर्स। बहुत सारे टी शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, बेसिकली नाइस सिटी टू रोम अराउंड इन। मौसम की बात करें तो ऑफकोर्स बीइंग क्लोजर टू ट्रॉपिकल इक्वेटर, इट इज़ ह्यूमिड कंट्री, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ की, जो टू व्हीलर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं, जो शायद हमें नॉर्मली इंडिया में नहीं देखने को मिलते। सो दिस इज़ वन थिंग वेरी नाइस। ये देखिए, ये है 20,000 डॉन्ग। और अब हम इसका एक फ्राइड एग ब्रेड लेंगे, 2 eggs का। बेसिकली खाने के रेट्स अच्छे हैं, नॉमिनल हैं, ज़्यादा नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई, एंड वियतनाम इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड, सो दिस मेक्स सेंस।
again, this is the central part of the old quarters. Okay, this is the lake over there. और चौथा पॉइंट है, वियतनाम में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है ऑफर करने के लिए, जैसे राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग। और अगर आप थोड़ा टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं आप पहले से ऑनलाइन बुक करें। वियतनाम में जो इंटरसिटी ट्रैवल है वो आप प्लेन, ट्रेन या बस से कर सकते हैं। शहर के अंदर, गाँव के अंदर आप रिक्शाज ट्राई कर सकते हैं, ऑटोज ट्राई कर सकते हैं और बस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ये शायद हम बियर स्ट्रीट एंटर कर रहे हैं, नॉट श्योर, थोड़ा आगे चल के देखते हैं कौन सी जगह है ये अभी। और पांचवा पॉइंट है कि जो यहाँ के रिलीजियस और सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे कि मंदिर, चर्चेस, आप यहाँ के लोकल कस्टम्स को रिस्पेक्ट करें, खासकर जब आप यहाँ की सीक्रेट साइट्स विजिट करते हैं। फिर छठा पॉइंट है, आप कुछ एक जो शब्द हैं, कुछ एक जो ग्रीटिंग्स हैं वियतनामीज में, वो ज़रूर सीखें। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल्स हैं उससे आपको इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी और थोड़ा सा एक प्यार इस कंट्री के प्रति आप दिखा पाएंगे, जैसे कि सिन चाओ, हेलो, और कम ऑन, थैंक यू। इसके बाद फिर सेवन्थ पॉइंट है, आप जिस भी जगह यहाँ पे जाते हैं, शॉप्स में या कहीं पे भी कुछ खरीदने जाते हैं, तो बार्गेनिंग एक स्किल है जो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप बार्गेन करेंगे और काफ़ी प्राइस जो आइटम का वो बताते हैं, उससे आप नीचे आ सकते हैं। और फिर इसके बाद आठवां पॉइंट है कि यहाँ पे आने से पहले एक ट्रैवल एडाप्टर जरूर रखें अपने साथ। हाय होए, बाय होए। सो ये है एक बाय होए कैफे, जो काफ़ी ज़्यादा इसकी गूगल की रेटिंग है बे स्ट्रीट में, नहीं आई थिंक ये बे स्ट्रीट में नहीं है। तो यहाँ पे लोकल बियर है जो आपको 15,000 डोंग में एक ग्लास मिल रहा है। कभी भी आप जब इंडिया से बाहर आते हैं, खासकर वियतनाम जैसी जगह में, तो एक जो सबसे बेस्ट ट्रैवल टिप हो सकती है वो होती है कि आप जो सिम है यहाँ पे ख़रीदें, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस आपको मिलता रहे और रोमिंग जो चार्जेस आपके फ़ोन पे लगते हैं वो भी ना लगें। तो आज के दिन हम हनोई लोकल टूर पे निकले हैं और अभी स्टॉपेज है 10 मिनट का और एक जगह यहाँ पर बस रुकी है। यहाँ से हमें करीब 3.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में डेस्टिनेशन में, और बीच में हम पर्ल म्यूज़ियम और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे वो सब, देखते रहिए हमारे चैनल को। और नाइन्थ पॉइंट है कि स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा क्योंकि सेम लेवल ऑफ जो हाइजीन है वो सब नहीं मेंटेन करते और साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। और हम पर्सनली यहाँ पे जो गूगल रेटिंग्स हैं और जो बाकी ऑनलाइन रेटिंग्स हैं उन्हें भी वेरीफाई करते हैं, ताकि कोई किसी जगह में हमें दिक्कत सुनने को ना मिले। और वीज़ा की अगर बात करूँ तो मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्हें इस कंट्री में एंटर करने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। और ई वीज़ाज इशू होते हैं इंडिया के लिए, जिन्हें आप ऑनलाइन घर बैठ कर अप्लाई कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।